हरे कृष्ण योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तकिल शक्ति स्वद दरस्वधामनां अन्याम्श्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणानमो भगवते पुरुषायतुभ्यं ये प्रार्थना द्रो महाराज की पहली प्रार्थना है भगवान श्री विष्णु की ओर तो इस श्लोक में गुरु महाराज जी बता रहे हैं यो अंत प्रविश्य हाँ, मम वाचन इमाम प्रसुप्ता हे भगवान मेरे सब इंद्रिय सो रहे थे लेकिन आप मेरे आंखों के द्वारा अपने सुंदर स्वरूप हाँ, के द्वारा आपने प्रवेश किया मेरे हृदय के अंदर इस तरह हर इंद्रिय को आपने जगा दिया हाथ को पैर को कान को आँखों को और ख़ास करके मेरे जिह्वा को क्योंकि जो मैं मैं तो पाँच उम्र का बालक हूँ हमने बहुत पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी मेरे जिह्वा में बैठकर आप इतने अच्छी तरह सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा आपके गुणगान हो रहा है और ये जो गुणगान हो रहा है ये आपका ही कृपा है क्योंकि आपने जिस तरह ही एक बल्ब है स्विच ऑन करने से वैसे बल्ब लाइट आ जाता है इस तरह है आप आपके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मेरे सब इंद्रियों के अंदर आपने प्रवेश किया है जिस तरह ही एक लोहा आग के अंदर डाला जाता है वो एकदम लाल लाल पीला हो जाता है वो इस तरह मेरे शरीर और इंद्रिय आपके प्रभाव से आध्यात्मिक तरीके से जग गए हैं और जगने का मतलब क्या है मेरे इंद्रियों में आपकी सुंदरता और आपकी सेवा इत्यादि को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के माया के प्रभाव से मेरे इंद्रिय प्रभावित नहीं होते माया के प्रलोभनों से और आपकी सेवा में ही मेरे इंद्रिय आनंद लुटते हैं और आपके नामों की गुणगान करने में और आपकी चरित्र की गुणगान करने में मेरे मन और इंद्रिय पूरे तरीके से लगते हैं और इसमें आनंद लुटता है और इस तरह बताते हैं यौन प्रविश्य मम वाचम इमा प्रसुप्ताम संजीवयत्त किल धर स्वधामना संजीवती का मतलब है संजीवनी जड़ी बूटी को जब हनुमान जी ने लाया था तभी लक्ष्मण को उन्होंने रामचंद्र जी के गोद में जो लेटे थे लक्ष्मण वो तो सुप्त अवस्था में थे उनको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उनको जगा दिया संजीवनी को डालकर है ना, देकर इस तरह हम सब लोग भी इस दुनिया में माया के गोद में सोए हैं लेकिन भगवान के हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने से हम जग जाते हैं हम हमारे आध्यात्मिक दिव्य जो संबंध है भगवान के साथ प्रेममय संबंध है उसके वो संबंध जग जाता है संजीव संजीवयत्य किल शक्ति धर नाम का मतलब है भगवान अपने ही स्वरूप शक्ति सीमित राधा रानी के द्वारा ये कार्य करवाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति के हृदय में नेकता है प्रामाणिकता है गंभीरता है भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है उसकी सेवा से जब भगवान प्रभावित होते हैं तो राधा रानी जी को भेजते हैं राधा जी के द्वारा उस भक्त के सारे शरीर और इंद्रियों को जगा देते हैं और जिस तरह एक लोहे को आग में डालने से वो प्रज्वलित हो जाता है इस तरह भक्त की इंद्रियां और शरीर पूरे प्रज्वलित हो जाते हैं और माया के किसी भी आकर्षण वो भक्त को छू नहीं सकता वो क्योंकि राधा जी भक्ति देती है भक्ति की भक्ति में प्रज्वलित जीवात्मा जो है कभी भी माया से प्रभावित नहीं होता वो हो। और अन्या हस्त चरण अन्यास्त बताते हैं हस्त चरण श्रवण आदि मेरे हस्त मेरे चरण मेरे त्वक का मतलब है शरीर की चमड़ा त्वक श्रवण आदीन ये सब चीज जागृत हो गए हैं बताते हैं प्रणाम ऐसे बता मेरे प्राण से मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ पुरुष आय तुभ्यम हे भगवान तो हम लोग जो नाम की जप करते हैं इसको हम जितना अटेंटिवनेस वॉडी इज अटेंटिवनेस ध्यान पूर्वक हम करते हैं वो उसके अनुसार भगवान हमारे भक्ति भाव से प्रभावित होकर राधा जी के द्वारा हमारे सुप्त इंद्रियों को भक्ति के जैसे बिजली जैसे जगा देते हैं भक्ति में इसलिए भक्त को जिस तरह से ध्रुव महाराज जी भगवान भगवान के चित्त के साथ उन्होंने भक्ति की इस तरह से हमारे नाम जप होना चाहिए जिससे नाम के हमारे पुकारने से भगवान प्रभावित होकर हमको भक्ति प्रदान करेंगे क्योंकि भक्ति प्रदान करने वाले वही हैं हमारे हृदय में श्रद्धा प्रदान करने वाले वही हैं हमको भक्ति के आभूषणों से सजाने वाले भगवान ही हैं हाँ तो इसलिए भगवान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है लेकिन भगवान को संतुष्ट करने से सब चीज़ हमें हासिल हमें प्राप्त होते हैं इसलिए ये जो व्यक्ति अच्छी तरह जानता है वो एकाग्रता चित्र के साथ वो भगवान का नाम पुकारेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे नाम प्रभु की